हेलो दोस्तों, मैं यश लालानी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्कल फिटनेस में। दोस्तों, आज आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, उसके लिए सॉरी, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला है। लेकिन मेरे पास काफ़ी टाइम से एक डिमांड आ रही थी कि थाइस और हिप्स का फैट कैसे कम करें, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे से, तो आज मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ 5 एक्सरसाइज बताऊँगा जिनको करके आप अपने थाइस और हिप्स का फैट घर बैठे कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिम जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जाते हैं तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर दें। दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है हिप ब्रिज। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक मैट लेना है, अपनी नीज को बेंड करना है और अपने हाथों को फ्लोर पे रखना है सीधे बिल्कुल। हिप्स को स्लोली स्लोली ऊपर उठाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हिप्स को ऊपर 1 सेकेंड स्क्वीज करना है, फ्रीज करना है ऊपर, और फिर उसको नीचे लेके आना है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, इसको आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, वीक में 2 से 3 बार, और हर सेट में आप इसके 20 से 25 रेप्स लगा सकते हैं। धीरे धीरे आप इसके 4 सेट भी कर सकते हैं, ये आप अपने घर पे इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है उसका नाम है डोंकी किक। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को फ्लोर पर रखना है और नीज को भी फ्लोर पर रखना है, और धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की ओर फेंकना है, नी को बेंड करके। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज से आपका हिप्स का फैट कम होगा, आपके हिप्स टोंड होंगे। दोस्तों, हमारी जो अब तीसरी एक्सरसाइज है उसका नाम है लंजेस। ये लेग्स की सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए आप सबसे पहले अपने स्टांस को खोलेंगे शोल्डर लेवल पे और एक बड़ा स्टेप आगे की ओर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग बिल्कुल सीधा ही पैर अपना आगे ले जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और मैं थाइस की पोजिशन को पैरेलल टू फ्लोर रखना है। हर साइड आपको 15 से 20 रेप्स लगाने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल नीचे जाना है, नी को बेंड करना है और कोशिश करना है अपनी नी अपने टो से आगे ना जाए, और साइड चेंज करना है और फिर कंटिन्यू करना है। इस एक्सरसाइज के आपको लगभग लगभग 3 से 4 सेट करना है, और 2 से 3 बार आप इसको कर सकते हैं वीक में। दोस्तों, हमारी जो भी फोर्थ एक्सरसाइज है उसका नाम है सुपरमैन। पहले आपको इसमें लेटना है नीचे फ्लोर पे फेस डाउन करके, और अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और अपने आर्म्स को भी स्ट्रेट करना है। पूरी बॉडी आपकी हवा में रहेगी, सिर्फ लो जो आपका हिप्स वाला पोजीशन है वो आपका नीचे रहेगा। आप बिल्कुल देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज को। हर बार आपको 2 से 3 सेकेंड ऊपर होल्ड करना है और कंटिन्यू करना है। इस एक्सरसाइज को आपको लगभग 2 से 3 सेट करना है, और हर बार आपको 8 से 12 रेप्स लगाना है। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपके थाइस के लिए। दोस्तों, हमारी जो सबसे आखिरी एक्सरसाइज है 5th नंबर एक्सरसाइज, उसका नाम है स्क्वाट्स। ये सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी थाइस के लिए। इसको करने के लिए आपको अपने पैरों को शोल्डर लेवल पर खोलना होता है और सिटिंग वाली पोजिशन में नीचे जाना होता है। थाइस को आपको पैरेलल टू फ्लोर ले जाना है, नीचे जाना है आपको और ऊपर आना है। ध्यान रखिए, जब आप ऊपर आएंगे आपको अपनी नीज को लॉक नहीं करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं नी को थोड़ा सॉफ्ट रखना है और फिर उसे कंटिन्यू करना है। इस एक्सरसाइज को आप वर्कआउट के पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। इसके आप 20 से 25 सेट लगा सकते हैं हर सेट में, और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी 5 एक्सरसाइज जिनको करके आप अपनी थाइस को टोन कर सकते हो, अपने हिप्स का फेट कम कर सकते हो। दोस्तों, मैं इसमें आपको एक और एक्सरसाइज ऐड करवाना चाहता हूँ, जो कि आपके काफ मसल के लिए, काफ मसल का फेट कम करने के लिए। सिंपली आपको स्टेपल लेना है या किसी भी चीज़ पर आप खड़े हो सकते हैं दीवार को पकड़ के, और पूरा ऊपर जाना है इसे पैरों के पंजों के बल पर, नीचे आना, रिलीज़ करना है और कंटिन्यू करना है। इसमें आपको 1 सेकेंड ऊपर स्क्वीज करना है, देन कंटिन्यू। ये नीज को थोड़ा सॉफ्ट रखना है, नीज को बिल्कुल टाइट नहीं करना है आपको, लॉक नहीं करना है नीज को, और कंटिन्यू करना है। तो इस एक्सरसाइज के भी आप 20x25 रेप्स के 4 सेट लगा लीजिएगा,
तो इससे आपका ग्लो कम्प्लीटली जो थाई हो कम्प्लीट पूरी कम हो जाएगी और आप अच्छे दिखने लगेंगे और आपकी पूरी थाइज भी टोंड हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की हमारी एक्सरसाइजेस। अगर आपको किसी और मसल से रिलेटिव कोई वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए या हमें इंस्टा पर मैसेज कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक वीडियो बनाने की। जिस भी एक्सरसाइज की आपको रिक्वायरमेंट हो या डाइट की हो या एक्सरसाइज की हो, अब हम भी पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।